अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त FMC YouTube चैनल और हम हाजिर हुए हैं आज की जो न्यू अपडेट्स हैं सभी सर्वर की, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, आज है हफ्ता और कल था जुमा, कल तो काफ़ी रश हमें देखने को मिला है, मुर्शिद के जो अकीदतमंद ज़ायरीन आए हुए थे। आज है हफ्ता तो उसके हवाले से आपको आगाही देनी थी कि क्या सिलसिला चल रहा है इस वक्त दरबार पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो यहाँ की मालूमात है वो आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें। और आज नाज़रीन आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि जब दरबार ओपन होती थी तो ये जो स्टार्ट हुई है जुमेरात परसों से, तो ये मुसलसल 3 हफ्ते ही एक ही रश रहता था, और रश जो है वो कम होने का नाम ही नहीं, सोच भी नहीं सकते थे कि रश जो है वो कम होगा। मुसलसल 3 हफ्ते जो है वो रश रहता था। तो इस बार भी दरबार जो है वो बंद है, लेकिन 2 दिन हमें बहुत रश देखने को मिला है, और जुमेरात जुमा को बड़ी तादाद में ज़ायरीन आए हुए थे। तो ज़ायरीन के जो आते हैं यहाँ सखी सरवर में, उनका होता है कोई प्रोग्राम 3 रोज़ा, 3 रोज़ा वो यहाँ पे स्टे करते हैं और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में अक्सर लोग जो है वो जुमेरात को निकल गए, फिर जुमा था कल शाम को ही अक्सर ज़ायरीन जो है वापस चले गए। तो इस वक्त ज़ायरीन की जो तादाद है सखी सरवर में बिल्कुल कम है, और जो हम देख रहे हैं सबका दिनों में वो हमें जो है आज नहीं देखने को मिला। दरबार पर भी रश बहुत कम था, और रश कम होने की वजह से आज मेन गेट तक भी अकीदतमंदों को रसाई थी, वो मेन गेट पर जाके ज़ियारत भी कर रहे थे क्योंकि रश बहुत कम था। तो जब रश ज़्यादा होता है तो उस वक्त मसला होता है, गेट के नज़दीक नहीं जाने देते। आज जो है वो ज़ायरीन जो है मेन गेट पर जाकर ज़ियारत कर रहे थे, और वहाँ पर जो है वो दुआएँ मांग रहे थे, अपनी मन्नतें मांग रहे थे मुर्शिद हज़रत शेख सरवर रहमतुल्लाह अलैहा से। और नाज़रीन, आज जो शेख सरवर की सूरत-ए-हाल के कार बहुत ही बेहतरीन मौसम रहा है शेख सरवर का, बादलों ने जो है वो डेरा जमा लिया था, बादलों का राज था शेख सरवर में, बेहतरीन मौसम था। रात गए तक ठंडी हवाएं चलती रहीं और काफ़ी खुशगवार मौसम था, लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया है, पहाड़ पे निकल गए थे लोग। मौसम जब देखा कि बादलों का राज और ठंडा मौसम था तो लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए पहाड़ों पर और नदी पर निकल गए थे। कल हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद बारिश के बाद नदी आ जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि नदी नहीं आई, और वैसे ही आज धूप निकल आई और कुछ दिन है और गर्मी भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है शेख सरवर में। तो नाज़रीन, दरबार शेख सरवर खुलने के हवाले से जो दीगर खबरें आप तक पहुँचे उनका जो है वो कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हम जो है दरबार के बिल्कुल सामने ही रहते हैं और हमें सब कुछ मालूम है। तो अभी जो हमारे ज़राए कहते हैं कि कल है इतवार, इतवार जो है बहुत अहम है, इतवार और सोमवार, इतवार और सोमवार को जो है वो चांस हैं दरबार खुलने के, और उम्मीद भी हमें बहुत है कि इतवार या सोमवार तक दरबार खुल जाए कोरोना SOPs के साथ, लेकिन कन्फर्म भी नहीं है, उम्मीद है, उम्मीद की किरण है हमारे लिए, और दिल मुतमईन है कि शायद खुल जाए, क्योंकि हमारे जो ज़राए कहते हैं, हमारी जो मेहनत थी, जो वफूद जा के मिले हैं और आला सतह के जो अफीसरान थे उनसे गुजारिश की थी कि दरबार शेख सरवर को खोला जाए। तो इस हवाले से कोशिश अभी जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि दरबार शेख सरवर कल खुल जाए। अगर कल नहीं खुली तो फिर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कब खुलेगी, फिर जैसे हुकूमत की SOPs होंगी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन जैसा कोई फैसला करेगी तो वैसा ही होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो बिल्कुल शेख सरवर में सन्नाटा है, और ज़ायरीन जो है बिल्कुल कम तादाद में शहर में मौजूद हैं। सबका वीडियो में मैं आपको दिखाता था कि पहाड़ पे काफ़ी रश है और बसें खड़ी हुई हैं, तो ऊपर 4 यारों पे काफ़ी रश है, लेकिन वो रश नहीं है, ज़ायरीन मौजूद हैं लेकिन बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, और इस साइड में भी थोड़े नज़र आ रहे हैं, बैक साइड पर 4 यार हैं, वहाँ पर भी हमें ज़ायरीन बिल्कुल थोड़े नज़र आ रहे हैं और कम तादाद में शेख सरवर में मौजूद हैं। और इस वक्त नदी में जो है वो काफ़ी जो है थोड़ा सा हमें रश देखने को मिला है, लोग जो है वो नदी में चश्मे की तरफ जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं लोग, सवारियों पे भी जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन तक जो सखी सरवर की न्यू अपडेट्स हैं वो हम पहुंचाते रहें, ताकि आप जो है वो मुतमईन रहें, और जिन अकीदतमंदों ने दरबार पर आना है उनको भी कोई अपडेट मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग रब्ता करते हैं कि जी हमें, हम आपका चैनल देखते हैं और हम आप ही के इंतज़ार में होते हैं, और रोज़ाना
जो न्यू अपडेट हो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो इसलिए हम हाज़िर होते हैं वीडियो के लिए, ताकि जो लोग इंतज़ार में जो आना चाहते हैं उनको अपडेट मिले। तो नाज़रीन जो बिल्कुल आना चाहते हैं वो दरबार सेक्टर पर ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर आने पर कोई पाबंदी नहीं। दरबार खुलने की कन्फर्मेशन नहीं है, अगर खुल जाएगी तो कल खुलेगी, नहीं खुलेगी फिर NCOC जो फैसला करेगी। तो लाजमी नहीं है कि दरबार खुल भी जाएगी, कुछ कह नहीं सकते आप। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, न्यू अपडेट का आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।